तो दोस्तों यहाँ आप पीछे देख ही रहे होंगे कि अनन्या पढ़ाई कर रही है और इसी से रिलेटेड हमारा आज का वीडियो है, क्योंकि जब मैं कमेंट्स पढ़ रही थी आप लोगों के, तो आप में से बहुत लोगों ने कमेंट्स किया कि मैं आपके लिए अनन्या का स्टडी टेबल ऑर्गेनाइजेशन लेके आऊँ। तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कुक विद निशा चैनल को सब्सक्राइब। तो जब भी आप अपने बच्चों के लिए स्टडी टेबल लेने मार्केट जा रहे हैं तो बस इन एसेंशियल बातों का ध्यान रखें और आप देखेंगे कि आपने एकदम परफेक्ट स्टडी टेबल चूज किया है। तो सबसे पहले होता है रूम साइज, उसके बाद होता है स्टोरेज रिक्वायरमेंट, तीसरा होता है आपका रूम डेकोर, चौथा एग्रोनॉमिक्स जो कि मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, और पांचवा है क्वालिटी ऑफ मटेरियल। जो पहला पॉइंट है वो है रूम का साइज। तो अगर आपके बच्चे का रूम साइज छोटा है तो आप कोई भी लीनियर या दीवार से चिपकी हुई स्टडी टेबल प्रेफर करें, लेकिन अगर रूम साइज बड़ा है और जगह है तो आप एल शेप या यू शेप की स्टडी टेबल ले सकते हैं। दूसरा है स्टोरेज। अगर आपके रूम में एम्पल स्टोरेज है तो आप स्टडी टेबल विदाउट स्टोरेज ले सकते हैं या मिनिमम स्टोरेज के साथ ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने बच्चे के रूम में स्टोरेज की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मेक श्योर करें ड्रॉर्स के साथ या स्टोरेज के साथ ही स्टडी टेबल लें। तीसरा है एग्रोनॉमिक्स यानी कि डेस्क की हाइट। आइडियल जो हाइट होती है वो 26 टू 30 इंच की होती है और देखना चाहिए कि हमारा बच्चा बहुत ही कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में है पढ़ते समय या लिखते समय, क्योंकि अगर बच्चे की पढ़ते समय पोजीशन सही नहीं है तो उसको बैक या नेक में पेन आ सकता है या और भी फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रखिए कि बच्चा जब पढ़ रहा हो तो वो एकदम कंफर्टेबल पोजिशन में हो। चौथा है कि आप अपने रूम डेकोर के हिसाब से ही स्टडी टेबल चूज करें, और पांचवा है गुड क्वालिटी मटेरियल। तो मेक श्योर करें जो आप स्टडी टेबल का मटेरियल ले रहे हैं वो गुड क्वालिटी मटेरियल तो हो ही हो, साथ में उसमें शार्प ऑब्जेक्ट्स या कॉर्नर्स ना हो ताकि बच्चे को चोट ना लगे। तो ये तो थी एसेंशियल स्टडी टेबल की रिक्वायरमेंट। अब अनन्या की स्टडी टेबल मैंने क्या सोच के लिए और कैसी है इसके लिए आइए। तो ये है अनन्या की स्टडी टेबल। अगर आप देखेंगे तो ये रूम डेकोर के हिसाब से मैंने व्हाइट कलर की ली थी और थोड़ा सा बेड के साथ मैच करती है, और ये वुड की है और आप देख सकते हैं कि वो काफ़ी स्मूथ है, तो कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं है कि बच्चे को लगे। इसके बाद हाइट भी मैंने देख ली है, क्योंकि मेरे पास ये चेयर, अगर आपको याद होगा कि अनन्या की बचपन की चेयर ही मैं यूज़ कर रही हूँ, इसमें अगर अनन्या बैठती है तो बहुत कंफर्टेबल पोजिशन में पढ़ लेती है। वैसे वो ज़्यादातर कोशिश करती है कि बेड में पढ़ाई करे, लेकिन मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो यहाँ पे बैठ के ही पढ़ाई करे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टडी टेबल में मेरे पास स्टोरेज स्पेस भी है, जिनको मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, लेकिन ऊपर मैंने यहाँ पे उसकी मैगजीन्स रखी हुई हैं, कुछ पेन होल्डर्स हैं, यहाँ पे टैब और कंप्यूटर रखा हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी के टाइम पे ये बहुत ही ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर आप मुझसे एग्री करेंगे तो इन गैजेट्स ने तो आजकल बुक्स को ही रिप्लेस कर दिया है। और टेबल टॉप के ऊपर आप या तो ग्लास का टॉप लगा सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने ग्लास का टॉप नहीं लगाया तो मैं कोई भी टेबल क्लॉथ बिछा के रखती हूँ। इसी के साथ ये प्लांट है और लैंप है, और उसके बाद आप देखेंगे कि काफ़ी स्पेस है जहाँ पे अनन्या अपने इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस बुक्स रख के पढ़ सकती है। ये है स्मार्ट स्टडी लैम्प जो कि बहुत ही कम स्पेस घेरता है, और जब कभी भी उसे रात को पढ़ाई करनी होती है, स्टोरी बुक्स पढ़नी होती है, तो वो इसी लैम्प के साथ पढ़ती है, क्योंकि फिर बाकी लोग अगर रूम में है तो डिस्टर्ब नहीं होते हैं। और जो कुछ बातों का आप ध्यान रखें जब आप स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो ये है कि आपकी जो भी लैम्प है वो बच्चे के लेफ्ट हैंड साइड पे आनी चाहिए, राइट हैंड साइड पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो शैडो नहीं गिरनी चाहिए, अगर आप यहाँ राइट पे रखते हैं तो शैडो गिरती है। तो ये मेरा एक हैक है। अब एक चीज की जो मुझे कमी लगती है वो है कि अनन्या की जो टेबल के सामने कोई भी ग्लास बोर्ड या व्हाइट बोर्ड नहीं है। आपने अगर देखा होगा तो पहले घर में मेरा वो ग्लास बोर्ड या व्हाइट बोर्ड था जिसमें हम अपने पॉइंटर्स, स्टिकी नोट्स या इंपॉर्टेंट नोट्स लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैंने यहाँ पे आप देखेंगे कि एक देसी हैक कर लिया है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है बोर्ड लगाने का तो आप बोर्ड लगाएं, नहीं तो आप इस तरीके का हैक अपनी स्टडी एरिया के लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टोरेज की, क्योंकि अनन्या के रूम में कबर्ड्स और भी थी तो मुझे इतनी एम्पल स्टोरेज नहीं चाहिए थी। तो यहाँ पे दो छोटे ड्रॉर्स दिए गए हैं,
जहाँ पे ये छोटा ड्रॉर है जहाँ पे अनंत्या ने अपने आर्ट एंड क्राफ्ट सप्लाईज का सामान रखा और अपने सनग्लासेस रखे हैं, चार्जर रखा हुआ है और नीचे यहाँ पे ये इस तरीके से ओपन होने वाली ड्रॉर है जहाँ पे बुक्स तो रखी हुई है लेकिन और भी सामान रखा हुआ है, यानी कि अनंत्या के ईटेबल स्नैक्स। ये मैंने अभी अरेंज किया है, थोड़े थोड़े दिनों में अरेंज करना पड़ता है क्योंकि जनरली बच्चों की आदत होती है कि वो निकाल लेते हैं, बट अगर इस तरीके की बास्केट्स अगर आप लगाते हैं तो काफ़ी इजी रहता है अरेंज और ऑर्गेनाइज करना। तो इस बात पे हमारी काफ़ी बहस भी होती है कि स्नैक्स कौन यहाँ पे रखता है, बट अनंत्या को अपने स्नैक्स अपने स्टडी टेबल के पास ही चाहिए और हम उसका मजाक भी उड़ाते हैं। तो ये तो था उसका स्टोरेज एरिया। अभी क्योंकि वो स्कूल गई है तो बुक्स यहाँ पे ज़्यादा नहीं रखी हैं, लेकिन जो बुक्स होती हैं और स्कूल बैग होता है वो भी हम यहीं रखते हैं। और क्योंकि अभी विंटर्स हैं और जनरली हमारे यहाँ तो वुडन फ्लोरिंग है, लेकिन अगर आपके यहाँ कोटा मार्बल की फ्लोरिंग है या नॉर्मल मार्बल फ्लोरिंग है तो वो बहुत ठंडे रहते हैं, तो मेक श्योर करें आप कोई भी डोर मैट, पायदान या इवन दरी लगाएं ताकि बच्चा जब पाँव रखे तो उसको ठंड ना पहुँचे, क्योंकि अक्सर जो ठंड पहुँचती है वो हमारे पाँव से ही पहुँचती है, नीचे से ही पहुंचती है। तो आप इस तरीके से मैट लगा दें ताकि बच्चे को कोजी कोजी लगे और पढ़ने में कंफर्ट आए। स्टडी टेबल के साथ साथ एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है चेयर का। तो मेक श्योर करें जो आप चेयर भी खरीद रहे हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल चेयर हो, आप अपने बच्चे को उसमें बिठा के ही खरीदें। जब उसको बिठाएं चेक कर लें कि वो पूरा कंफर्टेबल है तभी वो चेयर खरीदें। वैसे तो मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि आप फिक्स चेयर ही खरीदें, ये रोटेटिंग व्हील की चेयर बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि आधे टाइम तो अनंत्या इसी में रोटेट होती रहती है जो कि मुझे बहुत इरिटेट करता है। तो मेरे को लगता है कि फिक्स चेयर हो तो बच्चा भैया ज़्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं, क्योंकि इन चेयर्स में तो वो खेलना ज़्यादा पसंद करती है पढ़ने से ज़्यादा। बच्चों की बेसिक आदत होती है कि पेंसिल शार्प की कचरा ड्रॉर में डाल दिया या इधर फैला दिया या पेपर वेस्ट हुआ तो इधर उधर फेंक दिया, तो उसके लिए मेक श्योर करें कि आप उनकी स्टडी टेबल के आसपास एक डस्टबिन छोटा बड़ा जैसे भी हो एज पर द रिक्वायरमेंट जरूर रखें। और स्टडी टेबल जब भी आप प्लेस कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि अगर आप जब भी चेयर निकालें तो एकदम एम्पल स्पेस हो चेयर निकलने की, वो किसी फर्नीचर के साथ टकराए ना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं चेयर निकालती हूँ और इसे रोटेट भी करती हूँ तो यहाँ पे एक एम्पल स्पेस है मूव होने के लिए। स्टडी टेबल को प्लेस करते समय मेक श्योर करें कि जो भी सामने दीवार है उसमें ज़्यादा कुछ क्लटर ना हो या फसर ना हो। आप उसमें चाहे तो इम्पॉर्टेंट मोटिवेशनल कोट्स लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पिक्चर्स या अनंत्या की पेंटिंग्स ही लगाई हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पे विंडो है तो अगर आप विंडो के साथ स्टडी टेबल को लगाएंगे तो वो बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि नेचुरल लाइट से बढ़िया तो कोई लाइट ही नहीं है। अब स्टडी टेबल की हमने इतनी बातें तो कर ली, लेकिन आपके दिमाग में होगा कि अब मैं ये स्टडी टेबल लूँ कहाँ से। तो स्टडी टेबल आप किसी भी लोकल मार्केट से ले सकते हैं या ऑनलाइन वेबसाइट भी बहुत सारी हैं जो मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं, आप वहाँ से भी स्टडी टेबल ले सकते हैं। ये था मेरा आज का स्टडी टेबल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, तो नीचे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या बेस्ट पार्ट लगा, या मुझे सजेशंस भी दे सकते हो कि कैसे मैं अनंत्या के स्टडी टेबल को और बढ़िया बना सकती हूँ। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।